पैसा। मानव के उत्क्रांति के साथ ही समाज का विकास होते गया है। मूलतः मानव यह एक समाजशील प्राणी है, इसीलिए समाज में रहकर विविध जीवनावश्यक चीजों का विकास करते करते ही मानव ने आज के आधुनिक युग में प्रवेश किया है। मानव के विकास में तीन खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है अग्नि, चक्र तथा पैसा। इन तीन खोजों के आधार पर ही मानव की प्रगति को गतिमानता प्राप्त हुई है। जैसे जैसे धातु का उपयोग या प्रयोग होता गया, वैसे पैसों के लिए भी धातु का प्रयोग होने लगा। हम लोग जानते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो सोना या चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं की मुद्राएं बनाते थे और अपने राज्यों के सीमित एरिया में उसकी जो मुद्राएं थी वो चलती थी, उसको राज मुद्रा भी कहते थे। तो ये जो मुद्राएं थी इसी को पैसा करके इस्तेमाल किया जाने लगा। आज का जो कागजी पैसा है वो भी इटली से शुरू हुआ है। इटली की जो सोना थे वो बड़े बड़े व्यापारी लोगों को प्रॉमिसरी नोट लिख के देते थे और इस प्रॉमिसरी नोट को व्यापारी और ग्राहक खुलेआम यूज करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बड़ी बड़ी बैंक स्थापन हुई और ये बैंक भी खुद की प्रॉमिसरी नोट निकालने लगी और ग्राहकों को देने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने खुद ने ही प्रॉमिसरी नोट्स निकालना शुरू कर दिया। तो इस प्रॉमिसरी नोट को नोटा कहते थे, इसलिए आज हम लोग जो कागजी हमारे पास पैसा है उसको हम लोग नोट कहते हैं। तो इस नोट की शुरुआत इटली से हुई है। प्रगति की अवस्था में मानव ने लेन देन के व्यवहारों को शुरुआत करने के बाद सर्वप्रथम वस्तु विनिमय पद्धति का उगम हुआ। समाज के उत्क्रांति के प्राथमिक अवस्था में किसी भी स्वरूप में पैसा अस्तित्व नहीं था, इसलिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर विनिमय होता था। लेकिन वस्तु विनिमय में समस्याएं निर्माण होने लगी। जैसे जैसे व्यवहारों की संख्या बढ़ने लगी, वस्तु विनिमय लेन देन के लिए निरुपयोगी होने लगा। इसलिए विनिमय करने के लिए समाज मान्य किसी तीसरी वस्तु का उपयोग करने लगा। इस तीसरी मध्यम वस्तु को ही पैसा कहने लगे। मानव अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पे आज की जो प्रगति है वो कर रहा है। जैसे जैसे जिस काल में उसको जो भी डिफिकल्टीज आई है उसके ऊपर मात करने के लिए उसने कुछ ना कुछ नया खोज के निकाला है। ऐसे ही पैसों के बारे में भी हुआ है। कागजी पैसा जब आया तब उसका यूज करते करते पब्लिक के ध्यान में आया, ग्राहकों के ध्यान में आया कि इससे भी और बेटर कुछ हो सकता है। तो प्लास्टिक मनी की भी शुरुआत हुई। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माइक्रोचिप में जो भी एक जमा रहती है अमाउंट उसको हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम लोग अभी आज देख रहे हैं कि बहुत सारे व्यवहार हो रहे हैं। तो मानव अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा है और पैसों का भी हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है। विविध काल में विविध अवस्था में मानव ने विभिन्न वस्तुओं का पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया है। शिकारी अवस्था में हड्डियां, चमड़ी, बाल, दांत इत्यादि वस्तुओं को पैसे के स्वरूप में उपयोग में लाया गया। चरवाहा अवस्था में गाय, बैल, बकरी इत्यादि को पैसे के स्वरूप में उपयोग किया गया। बाद में कृषि अवस्था में गेहूं, ज्वार, चावल इनका पैसा जानकर उपयोग हुआ। इन सभी को वास्तु पैसा कहते हैं। बाद में धातु के सिक्के, धातु की मुद्रा, कागजी पैसा, बैंक पैसा और आज का डिजिटल पैसा, इस तरह पैसों की प्रगति हुई। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरी व्यक्ति के अकाउंट में हम लोग अंकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, डिजिट का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये डिजिटल मनी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो पैसा जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे व्यवहार बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग देखेंगे कि मनी जो है वो भी बदलता जा रहा है और आज के डेट में डिजिटल मनी ये सबको पता है। ऑनलाइन ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं उसी को डिजिटल मनी कह सकते हैं। जब विनिमय का माध्यम तथा मूल्यांकन का साधन मानकर समाज किसी तीसरे वास्तु या माध्यम का लेन देन के व्यवहार पूरा करने के लिए उपयोग करता है तो उसे पैसा कहते हैं। आज के ऑनलाइन व्यवहार में सिर्फ अंक ही ट्रांसफर हो रहे हैं। आगे जाके क्या होगा, तो
तो आज बात क्या हो रही, क्रिप्टो करेंसी की, यानी वर्चुअल मनी की। ये जो वर्चुअल मनी है इसको आभासी पैसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये आभासी पैसों के साथ में व्यवहार हो सकता है। तो देखिए, किसी एक वस्तु को माध्यम बना के हम लोग विनिमय करने का शुरू हमने विनिमय करने के लिए शुरुआत करी, और आज के डेट में हम लोग जो दिख नहीं रहा वैसा आभासी वर्चुअल मनी को भी हम लोग विनिमय का माध्यम मान रहे हैं। मानव ने अपनी प्रगति के साथ साथ पैसों के प्रकार विकसित किए हैं। संकट के समय से बाहर निकलने के लिए, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए मानव ने हमेशा अपने बुद्धि के आधार पर प्रयत्न किए हैं। इस प्रयत्नों से वह सदा नवीनतम खोज करता है और प्रगति की ओर बढ़ता है। आज के दौर में आभासी चलन की बात हो रही है। प्रगति के इस दौर में आगे भी पैसों के स्वरूप में बदलाव आ सकते हैं।